पुराने वेलियां दी गल है, कहिंदे एक वार भाग जानी कि किस्मत अते माया जानी कि पैसा दोवें आपस दे विच बहस पए। दोवें एक दूजे नूं कहन लगी कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हाँ, मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हाँ। पैसा भाग नूं कहिंदा कि जे किसी इंसान की जिंदगी दे विच मैं ना होवां तो उहदे पल्ले कख नहीं रहिंदा, वह दर दर ते ठोकरां खांदा है। तो भाग पैसे नूं कहन लगे कि नहीं, मेरी अहमियत तेरे तो ज़्यादा है, जे मैं किसी की जिंदगी दे विच्चों पासे हो जावां तो वह कासे जोगा नहीं रहिंदा, उसनों रिश्तेदार दोस्त मित्र कोई भी मूँह ला के राजी नहीं हुंदा। कहिंदे काफ़ी लम्मा समा आपस दे विच बैसे ते फिर किसी संत फकीर दे कोल चले गए। उन्हूं जाके कहिंदे कि साडा फैसला करवा, सानू समझ नहीं आउंदी कि साडे दोवां तों ज़्यादा अहमियत किहदी है, साडे दोवां तों ज़्यादा महत्व किहदा है। हुण उस संत फकीर नूं वी कोई गल समझ ना आई। वह नहीं सी चाहुंदा कि किसी नूं बुरा बोल के आप उस तों वांझा हो जावे। वह कहिंदे कि वह उस नूं पहाड़ां दे विच किसी महारिशि दे कोल लै गया। महारिशि भी बहुत सियाणा सी, उसने कहा कि इस तरह इस चीज़ का फैसला नहीं हो सकता, आपां चारे जाने चलते हैं, आपां साधुओं का भेस वटा लैंदे हां ते आपां किसी नगर दे विच चलते हैं, उस नगर दे विच जाके फैसला करांगे, किसी इंसान दे घर रवांगे, उही उहदे बारे दसेगा, उहदे तों फैसला करवा लवांगे। वह कहिंदे इस तरह फैसला किवें होएगा? तां महारिशि जी कहन लगे कि कोई ऐसी लीला रचांगे कि सब कुछ साडे सामने प्रतख रूप दे विच आ जाएगा। हुण उस दी गल दे नाल उह संत फकीर भी राजी हो गए ते उह दोवें पैसा ते भाग यानी कि माया ते किस्मत उह भी राजी हो गए। उन्हां चारां ने साधु फकीरां दा रूप धारण किया ते एक नगर वल नूं कूच कर गए। नगर जदों पहुंचे तां काफ़ी शाम हो गई सी, सूरज ढल रहा सी। एक पुजारी दे दर ते पहुंचे, पुजारी दा दरवाजा खटकाया। पुजारी ने दरवाजा खोलिया ते कहा कि दसो जी की सेवा कर सकदा? वह कहिंदे कि इस तरह असी दूर दे राही हाँ, असी कुछ दिन तुहाडे नगर दे विच रुकना, जे तुसी साडे भोजन पानी दा प्रबंध कर दिओ तां मेहरबानी होवेगी। ये पुजारी महज 25-26 साल दा नौजवान सी, परमात्मा दा बड़ा भय रखदा सी, जिथे भी कोई मिलदा उसनू सिक्ख्या दिंदा, उसनू परमात्मा दे नाल जोड़न वाला सी। ते हुण लंबे समय तो यह राज दरबार दे विच सेवा निभा रहा सी, ते सेवा दे बदले सिर्फ खाण पीण जोगा ही कुछ लैंदा, बहुता लालच नहीं सी करदा। उसने कहा कि आ जाओ मेरे को जो कुछ है रुखी मिसी मैं तुहानू खवा देंगा। वो अगे चले गए, उसने उन्होंने खाण पीण का प्रबंध किया ते नाल ही दस्या कि मेरे को एक वेले का खाना ही सी। अगों महारिशि ने अपने कोलों एक कमंडल जा दे दिता, एक तुसी कह लो कि वड्डा सारा गड़बा, ते कहा कि जो भी भोजन लिया के सानू दवें इहदे विच लिया के दे दिया कर, तेरे घर किसी चीज़ की कमी नहीं रहिंदी। पुजारी यह गल सुन के खुश हो गया। उस तो बाद उन्होंने पूछा कि भाई तू की काम करना? वह कहिंदा कि मैं राज दरबार दे विच सेवा निभाउणा, मैं उत्थे जिहड़ा इस राज दा राजा है उसकी पुत्री नूं कथा सुनाउणा। वह कहिंदे तो बहुत वधिया गल है, बहुत अच्छी गल है। फिर उन्होंने पूछा कि तू एक काम करना है, तू राजे की पुत्री नूं कल जाके पुछना है, जदों कथा सुनाई कि भाई तुसी एक कथा किस लिए सुनते हो, तुहाडे मन विच कोई ना कोई मंशा तो जरूर होगी, कुछ ना कुछ तुसी सोचा होगा, कोई ना कोई मंग तुहाडी परमात्मा दे अगे जरूर होगी, उस करके ही तुसी धार्मिक बिरती वाले होए हो, उस करके ही तुसी परमात्मा नूं याद करते हो, उस करके कथा सुन रहे हो। वह कहिंदा जी ठीक है, जिवें तुसी कहो, मैनूं तुसी सियाणे लगदे हो ते मैनूं तुहाडे वर्गियां दी संगत करन दा बहुत आनंद आउंदा है, इस करके ये सवाल मैं जरूर पुछ के आवांगा। फिर उसने अगली सुबह उन्हां तों इजाजत लई ते राज दरबार नूं चलिया गया। राज दरबार उसने राजे दी धी नूं जदों कथा सुनाई ते उस तों बाद उसने ये सवाल उसदे अगे रख दिता। राजे दी धी उत्तर दिंदी है कि मैं ये कथा तां सुनदी हाँ, मैं धार्मिक बिरती वाली तां होई हाँ कि जिहड़ा मैनूं राजकुमार मिलना है, जिहदे नाल मेरा विआह होना है, वह बहुत ही सुंदर होवे, उसनू खड़ खड़ के लोग देखण, ते जिहड़ी उसकी बरात होवे उसकी धुम सारे इलाके दे विच पै जावे, इन्ना कु उहदे कोले माल होवे, इन्ना कु धन होवे कि गुआंढी राजां दे राजे भी अछ अछ कर उठण। सो यह सारा कुछ मैं परमात्मा पासों चाहुंदी हाँ, इस करके मैं एक कथा सुनदी हाँ। वह वापस अपने घर परत आया, उसने उन्हां चारां साधुआं दे कोल उही गल आ के दस दित्ती कि आ कारण है। शाम दा भोजन करन तो बाद महारिशि ने फिर उस नौजवान नूं कहा
कि पुजारी जी देखो असी गल समझ गए हैं, कल नूं यही सवाल एक बारी तुसी फिर उसके सन्मुख रखियो। तो जदों उसने उत्तर दिता तो यह गल कह देना कि यह सारे गुण तो मेरे विच हन, इन्नी गल कह के उस तो इजाजत लैके वापस परतना, पिछे मुड़ के ना देखियो। पुजारी एकदम डर गया, नौजवान से, वह कहता मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस काम वास्ते थोड़ी ना जाना, मैं तो अपने धर्म की खातर उत्थे जाना। उन्हें कहा कि देख ये काम ना किया तो तैनू पाप लगेगा, चार साधुओं की गल मोड़न का। हुण पुजारी सी बहुत फसिया होया सी, गल भी नहीं सी मोड़ सकता। अगले दिन उसने जाके राजे की धी नूं कथा सुनाई, मन ते पत्थर रख के उसने सोचा कि इस सवाल करके इहदा उत्तर दे के इत्थों भज जाना। उही सवाल किया, उही उत्तर मिलिया, ते अगों कहन लग्या कि यह सारे गुण तो मेरे विच मौजूद हैं। इन्नी गल कही तो पिछे मुड़ के नहीं देखिया। उधर राजे की धी गुस्से विच आ गई, उसने अपने पिता नूं जाके सारी गल दसी। राजे ने अपने मंत्रियों नाल सलाह की कि उसका सिर कलम करना है। एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री सी, उसने कहा कि इस तरह करना जायज नहीं, तुहाडे बारे लोगों के विच बहुत गलत सुनेहा चलिया जाएगा, इस तरह करो उसनू पत्र भेज दो कि सानू मंजूर है ये विआह, पर उहदे विच शर्तां ऐसियां रख दो कि वह पढ़ के काम जाए तो वह देश छड के भज जाए। वह कहिंदा ठीक है, मैनूं तुहाडी सलाह नेक लगी। उहदे विच शर्तां रखियां गईयां, सब तो पहली शर्त यह रखी कि साढ़े नेड़ले नगरां दे विच जिन्ने भी बरात घर ने, बरात उन्हां सारे घरां दे विच रुकनी चाहीदी है, एक भी घर खाली नहीं रहना चाहिए, बरात घर इन्नी बरात आनी चाहिए है, तो जेकर इन्नी बरात का प्रबंध ना होया तो बाकी दी आई बरात का सिर कलम कर दिता जाएगा, समेत दुल्हे दे, समेत विआह वाले लाड़े दे। दूजी शर्त यह रखी कि जिन्ना असी खाना तैयार करना है, जिन्ने खाने का प्रबंध असी करना है, सारे का सारा खाना सारे द्वारा खा लिया जाना चाहिए, जे एक बोटी भी व्यर्थ गई तां वी सारी बरात का सिर कलम कर दिता जाएगा, समेत दूल्हे दे, समेत उस लाड़े दे। इन्हीं गल्लां कह के पत्र भेज दिता गया। साधुआं ने उस नौजवान कोल बिठा के पत्र पढ़िया, तो जिहड़ा इंसान पत्र लैके आया सी उसनूं सम्मान किया, उसनूं इज्जत दित्ती, तो जाण लगे साधु बाबा ने एक चुल्हे दे विचों मुठ्ठी सवाह दी भर के उस दूत दे हाथ फड़ा दित्ती जो वह पत्र लैके आया। वह निराश ते बड़ा होया, पर उसनूं लैणा पैणा सी क्योंकि वह साधु दे विच बैठे सन। जो उसने बाहर जाके देखा तो वह हीरे मोती बन गए, बहुत खुश होया। राजे ने जाके दसा कि उन्होंने पत्र स्वीकार कर लिया है, तो मेरा बहुत आदर सम्मान किया है। राजा बड़ा हैरान, राजे को लगा कि यह तो विरोधी राजे की कोई चाल होगी। राजे के मंत्रियों ने सलाह दी कि क्योंकि उसने वह पत्र रख लिया तो हुण आपां प्रबंध करिए। सारे राज नूं सजा दिता गया, सारे बरात घर बरात ठहरन का प्रबंध किया गया, शाही पकवाना दे देगे चढ़ा दिते गए, इन्ने एक खाने तैयार किए गए कि हर एक बराती नूं 36 तरह के पकवान हाजिर करन दा इंतजाम हो गया। हुण उधर उस नौजवान नूं चिंता पै गई, उसने अपने पिंड वाले जिहदे नाल जाके आख्या करे कि मेरी बरात चलना है, अगला मना कर दिया करे कि तेरा तां अंतम समां नेड़े है, असी तेरे नाल तेरी बरात क्यों जाइए। उहने जाके सारी गलबात महारिषि नूं दसी, महारिषि कहण लगे कि चिंता ना कर भाई, असी इंतजाम करते हैं। उन्होंने जिमें भी करके बहुत सारे लोगों का प्रबंध किया, सारे दैवी लोग, सारे दे कोल शक्तियां, सारे दे चेहरियां ते नूर, सारे हसीन, ऐसे ऐसे लोग बरात दे विच शामिल होए जिहड़े कदी भी किसी ने पहला नहीं सी देखे, जिहड़ा भी देखता उन्होंने तकदा रह जाता। इस तों बाद बरात का इंतजाम कुछ ऐसा किया गया, ढोल नगाड़े वड्डे वड्डे घोड़ियां ते हाथियां ते इन्ना क इंतजाम के बरात जिधरों लंघदी लोग एकदम बस खड़ के वेखते ही रहिंदे। ये चारे साधु पैसे की वरखा कर रहे, की सी इन्हां कोल जां की नहीं सी ये किसी नूं नहीं पता, पर जिहड़े पासे हवा दे विच्चों कुछ सुट दे थले पैसे की वरखा हो जाती। सारे देखण वाले इन्ने हैरान, इन्ने क हैरान कि इस बंदे कोल इन्ना पैसा आया कित्थों। हरेक बंदा हुण जिहड़ा खड़ के गल कर रहा सी उह गल यही कर रहा सी कि देखो पुजारी की किस्मत, देखो पुजारी दे भाग। कोई ये नहीं सी कह रहा कि देखो पुजारी की माया, इदा कोई भी नहीं सी कह रहा। एक गलबात के दौरान एक गल का फैसला तो उन्होंने चारे साधुओं ने आपस कर लिया कि जदों हर कोई बंदा किस्मत की गल करता, भागां की गल करता, तो जाहिर जी गल है कि जिहड़े भाग ने
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਉਸ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤਕਾਰ ਭਰ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤਕਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਛ ਬਰਾਤ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਖਲੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਲੋਕ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਗ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਲਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ।